इस वीडियो के माध्यम से हम मैकविल में क्रेसिंग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम फेयरविल निकालेंगे टूल के माध्यम से। अच्छे से बोल्ट को टाइट करके फिर खोलेंगे। फेयरविल हमारा निकल गया है। अब खोल के हम इसमें से निकाल के साइड में रखेंगे। अब हम दूसरी साइड का एक्सेल का जो नट होता है उसको खोल लेंगे। दूसरा भी नट खोल लेंगे। खोलने के बाद पेचकस के माध्यम से ऊपर का हम सील निकालेंगे। फिर उसके बाद हम कटर के माध्यम से बैरिंग का सील निकालेंगे। इसको हम ऊपर से ग्रेसिंग करेंगे। अच्छे से उंगली से दाब के जिसे अंदर तक चला जाए ग्रीस। अच्छे से हम लगा लेंगे ग्रीस और एक्सेल को थोड़ा घुमा देंगे जिससे बैरिंग के अंदर ग्रीस चला जाए। सेम दूसरे साइड भी हम वैसे ही क्रीज भर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से खूब दाब के जिससे क्रीज अंदर चला जाए। एक्सेल को घुमा लेंगे। नट खोलने के बाद अब हम सील बैठाएंगे। पहले बैरिंग का सील लगाएंगे। ये बैरिंग का सील है। ऊपर रख के वैसे हाथ से थोड़ा दबा देंगे तो इजीली बैठ जाएगा। अब हम इसके ऊपर दूसरा सील लगाएंगे। हल्के हाथ से दाब देंगे तो वो बैठ जाएगा। अब दूसरी तरफ हम सेम ऐसे ही सील लगाएंगे। पहले बैरिंग का सील लगाएंगे। इसके बाद दूसरा सील लगाएंगे हम ऊपर।
अब नट लगा लेंगे हम। दोनों नट हम टाइट कर लेंगे। सेम दूसरी तरफ भी हम नट लगा के थोड़ा सा हल्के हाथ से टाइट कर देंगे। ऐसे दोनों साइड हम टाइट कर देंगे नट। और हमारा मैगविल ग्रीसिंग हो गया है। अब हम फेयरविल बैठाएंगे। फेयरविल हमारा टाइट हो गया। इस प्रकार से आप घर पे बड़ी ही आसानी के साथ आप मैकविल क्रीसिंग कर सकते हैं।